हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल डीएमएस बेस्ट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बिट मेसरा की कट ऑफ्स बताऊंगा, सभी ब्रांचेस की और सभी कैटेगरीज की। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा जो कि रांची में है, रांची के पास, आप सबको पता है ये GFTI है। इसमें बीटेक होता है और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी होता है और बहुत से कोर्सेज होते हैं वैसे, लेकिन हम इसके अंदर जेई मेंस की कट ऑफ देखेंगे। जेई मेंस एक्सेप्ट करता है, आप सबको पता है बिट मेसरा एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है और टॉप GFTI है। टॉप 10 GFTI की वीडियो भी करी थी हमने, उसके अंदर नंबर 1 पे यही था। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ। कोई भी फालतू टॉपिक पे वीडियो लेके नहीं आता। अब मैं बिट मेसरा के बारे में बता दूँ तो यार, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, ये GFTI में आता है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे जोसा काउंसलिंग के बाद आपको IIT, NIT, IIIT और GFTI मिलता है, तो GFTI में बेस्ट GFTI है। पैकेज बहुत अच्छा रहता है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। बिट्स पिलानी के ब्रांच मान लेते हैं लोग उसको, लेकिन बिल्कुल अलग है वो उससे, लेकिन वैसा ही है प्लेसमेंट वाइज या वैसे कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। फीस भी हाई है वैसे इसकी। अब देखो ये राउंड वन क्या है, देखो मैं जोसा की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, देखो 2021 की कट ऑफ्स हैं। इस साल की कट ऑफ अभी तक आई नहीं है, आप सबको पता है ये लास्ट राउंड की कट ऑफ्स हैं। और जो लास्ट ईयर कट ऑफ हो रहती है वही नेक्स्ट ईयर कट ऑफ रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है राउंड वन की, स्पॉट राउंड की। अब देखो आप सब जेई मेंस देते हैं, जेई एडवांस देते हैं, फिर आप काउंसलिंग करवाते हैं एडमिशन के लिए कहीं भी, तो जोसा काउंसलिंग होती है सबसे मेन जो काउंसलिंग है जेई मेंस के बाद। तो जोसा में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप CSAB काउंसलिंग करवाते हैं, स्पॉट राउंड मान के चल सकते हैं, वो स्पेशल राउंड होता है राउंड वन और टू। इसमें राउंड वन की हम कट ऑफ देखेंगे बिट मेसरा की, और इसके अंदर हम दोनों की देखेंगे, BR की भी और BTEC की भी। तो BR एक ही है उसके अंदर, अब वीडियो स्टार्ट कर दिया है हमने। तो आर्किटेक्चर सबसे पहले आता है, अल्फाबेटिकली दिया हुआ है आर्किटेक्चर, मतलब BARC। इसमें जेई मेंस पेपर 2 के थ्रू एडमिशन होता है, जेई मेंस पेपर 1 अलग है 2 अलग है। सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेपर होते हैं अलग होता है उनका। देखो 1474 है AI मतलब ऑल इंडिया, जिसमें अदर स्टेट मान के चल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं, अदर स्टेट होता है होम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS, SC, ST और उसके बाद HS मतलब होम स्टेट जो झारखंड से हैं, क्योंकि रांची झारखंड में है। होम स्टेट 5048, तो कट ऑफ होम स्टेट के लिए बहुत बेनिफिट है इसके अंदर। प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, फैकल्टी सब कुछ बहुत अच्छा है, रैंकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है वैसे अगर देखी जाए तो। नेक्स्ट अब बीटेक स्टार्ट हो चुका है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ऑल इंडिया 79,842 है, मतलब अप्रोक्स जनरल के लिए 80,000 पे मिला हुआ है ऑल इंडिया। मतलब आप जो भी झारखंड से नहीं है उसके अलावा, मतलब अदर स्टेट वाले जो भी है वो ऑल इंडिया में आएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये GFTI है। और अब देखो इसके अंदर होम स्टेट की बात करें तो 1,24,995, मतलब अप्रोक्स 1,25,000 पे आपको बायोटेक मिल रहा है। और बहुत, आप सबको पता है कि ये झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्योंकि झारखंड में ऑब्वियसली IIT जमशेदपुर भी है और इवन IIT धनबाद भी झारखंड में ही है, तो वन ऑफ द बेस्ट बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें ऑल इंडिया की बात करें तो 66,664 है, अप्रोक्स 66,000 मान के चल सकते हैं, इस साल इतनी कट ऑफ रहने वाली है। और अगर होम स्टेट की बात करें तो 1,01,590, तो 1,00,000 से ऊपर है होम स्टेट वालों के लिए, अगेन यहाँ पे बेनिफिट है। ये जेई मेंस का, आप देखो यार यहाँ पे 2,88,000 SC के लिए, ST के लिए 5,21,000, ये सब कोई भी इसमें कैटेगरी रैंक नहीं है, सारी CRL है जो भी हैं आप। अब देखो केमिस्ट्री, यहाँ पे देखो BSc MSc केमिस्ट्री है 5 ईयर्स की इंटेग्रेटेड। अब इसमें MSc मतलब कि BS प्लस MS आपको मिलेगा इसके अंदर 5 ईयर का, 1,08,000 पे आपको ऑल इंडिया को यहाँ पे मिल रहा है केमिस्ट्री। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए, फेवरेट कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज है, तो आप इसके तरफ, इसके लो ब्रांच की तरफ जा सकते हैं। और अगर होम स्टेट की बात करें तो 1,70,000 पे आपको मिला हुआ है, बहुत अच्छे, अच्छा ऑफर है, इसमें बेनिफिट है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग, इसमें ऑल इंडिया 60,364 है, और अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, और होम स्टेट की बात करें तो 91,144 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी कैटेगरी अगर मिस हो रहा है तो यार देखो इसके अंदर सीट फुल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी हुई नहीं है। नेक्स्ट हम सभी का फेवरेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आ चुका है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 11,619 है। देखो आपको 11,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको CS एक अच्छे NIT में तो नहीं मिल पाएगा अगर आपका होम स्टेट नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं इसके। होम स्टेट की बात करें तो 17,474 है इसके CS के लिए, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बस ये कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, मतलब इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि यार अब आप जानते ही हैं
सब कॉलेज की अपनी अलग अलग फ़ीस होती है, NITs की फ़ी सेम स्ट्रक्चर होती है सभी NITs की, IITs की सेम होती है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको EEE बोलते हैं, इसमें ऑल इंडिया 32,141 है, और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी का आपको देखना, अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं। होम स्टेट की बात करें यहाँ तो 39,316 है, और यहाँ पर ऑल इंडिया का 32 तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, फिर भी थोड़ा सा बेनिफिट तो है। तो अब नेक्स्ट ब्रांच की अगर बात करें वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE, इसमें ऑल इंडिया की 24,310 है, और आप देख सकते हैं कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं आपके पास ऑप्शन से। होम स्टेट की बात करें तो 32,000 अगेन, इसमें थोड़ा सा होम ऑब्वियसली होम स्टेट को बेनिफिट मिलता है। और नेक्स्ट है फूड टेक्नोलॉजी, MSc 5 ईयर प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc, इसमें 1,13,000 पे ऑल इंडिया, मतलब अदर स्टेट मान के चल सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली इनफैक्ट ऑल इंडिया, होम स्टेट में 4,30,000 जनरल के लिए यार, तो ये एक बहुत सही चीज़ है। अगर आपकी 4 लाख 5 लाख तक रैंक है और आपको चाहिए आपके स्टेट का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप यहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट यार इन नेक्स्ट ब्रांच में आ चुके हैं हम IT, ये भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है आफ्टर कंप्यूटर साइंस। तो अगर इसमें अगर हम बात करें IT की कट ऑफ, तो 14,148 है ऑल इंडिया के लिए, और उसके बाद अगर होम स्टेट की बात करें तो 20,524 है, तो इसके तरफ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रांच है, अगर जिसको नहीं पता बता दूँ, ये टॉप IITs में होती है और प्लेसमेंट बिल्कुल कंप्यूटर साइंस जैसे होते हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच है, CS जैसी, इसमें 5 ईयर का है, इसमें भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, लेकिन ये BTech MTech नहीं है, ये MSc है, BSc MSc, लेकिन बहुत अच्छा है। देखो कट ऑफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, MSc होने के बाद भी इसका कट ऑफ 41,000 है, तो कट ऑफ हाई है यार, अगर MTech BTech होता तो और हाई होता, और होम स्टेट वालों के लिए 1,04,000 पे, तो यार ये बहुत बेनिफिट है अगर आपकी 1 लाख प्लस है और आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो, प्लस ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें ऑल इंडिया के लिए 46,638 है, और हमें क्लोजिंग रैंक से ही मतलब होता है, ओपनिंग रैंक से मतलब नहीं होता। होम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 61,454 है, तो होम स्टेट 61,000, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आप सबको पता है ये बात। अब चलते हैं फिजिक्स, जो कि इंटीग्रेटेड BSc MSc, ऑल इंडिया 80,000 पे है, और वहीं अगर बात करें होम स्टेट की तो 2,21,000 पे है। नेक्स्ट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कि BTech है, ऑल इंडिया 76,740 है, तो कट ऑफ भी इतनी ही रहने वाली है अप्रोक्स। और एक और चीज़, अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिले तो ये मत बोलना कि मैंने गलत बता दिया, क्योंकि ये स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ से, इसमें कट ऑफ बहुत लो जाती है। होम स्टेट की बात करें तो 1,12,000 है। देखो आप सब 6 राउंड होते हैं जो सामने काउंसलिंग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फर्स्ट राउंड में बहुत हाई कट ऑफ रहती है, फिर उससे कम, उससे कम, 6, 7 बहुत लो जाती है, फिर स्पोर्ट राउंड में तो और भी अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, 5 ईयर्स का है, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है, इंटीग्रेटेड BSc MSc, इसकी भी कट ऑफ यार देखो, MSc होने के बाद और इंटीग्रेटेड होने के बाद भी इसकी 42,000 कट ऑफ है, BTech होता तो और हाई कट ऑफ होती इसकी, तो आप देख सकते हैं ये भी एक डेटा साइंस DS है, तो आप सबको पता है, और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है, ग्रोइंग ब्रांच है ये। और होम स्टेट की बात करें तो 1,11,000 है, तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, वीडियो अगर जरा सी पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली लेके आता रहता हूँ, कोई भी फालतू टॉपिक पर वीडियो लेकर नहीं आता। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मुझे वहाँ DM कर सकते हैं, कुछ भी पूछना या बताना हो तो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।